आपको जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ये सारे सिंबल बताए थे, तो ये सिंबल कौन से फॉन्ट के हैं और ये फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड होगा और ये कैसे वर्क करेगा, तो ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले इस फॉन्ट के बारे में बता दें, तो इस फॉन्ट का जो नाम है वो नाम है 051 रुपी इमेज। तो ये फॉन्ट जो होता है वो एमएस ऑफिस में पहले से नहीं होता है, इसे आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, अपने गूगल ब्राउजर में चले जाएं और यहाँ पे टाइप करें 051 रुपी इमेज। तो यहाँ पे जो आपकी विंडो अगली ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक है इसी में चले जाएं आप, और ये आपकी नई विंडो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके फॉन्ट हैं उनका करेक्टर मैप जो है आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे सिंबल बताए गए हैं कि कौन से की को प्रेस करने से कौन सा सिंबल आएगा, ये सारा इस चार्ट में बताया गया है। तो आप इस चार्ट का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप क्या करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करें और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करें। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे डाउनलोड फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दें। तो ये साइट थोड़ा सा टाइम लेगी और यहाँ पे आपका जो फॉन्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है, आप इसको ओपन कर लें। तो यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, जो फर्स्ट वाली फाइल है इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। तो मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप यहाँ से इंस्टॉल में जाके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वर्ल्ड फाइल में चले जाना है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट है वो आपने 051 कुर्ती इमेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये ऐसे शो करेगा, तो इस पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप कोई भी प्रेस, जैसे मैं ई की प्रेस करता हूँ, तो जैसे ये स्वास्तिक का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे मैं शिफ्ट ई प्रेस करता हूँ, ये नमस्ते वाला सिंबल आ गया। और यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं डी प्रेस करूँगा तो माता लक्ष्मी जी का सिंबल, और शिफ्ट सी करूँगा तो ये लॉगिन का सिंबल, और ऐसे ही शिफ्ट जे करूँगा तो ये आपके दिए का सिंबल, और शिफ्ट के करूँगा ये कमल का सिंबल, और शिफ्ट टी करूँगा तो ये कलश, और शिफ्ट ए के साथ आपका ये हाथी का सिंबल आ चुका है। तो आप सारे की प्रेस करके यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप इन सिंबल्स की शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे चले जाएं, और यहाँ पे सिंबल पे चले जाएं आप यहाँ पे, और सिंबल्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, और यहाँ पे आप अपना फॉन्ट जो है 051 कुर्ती में सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये लॉइन का सिंबल है, तो आपने इसकी शॉर्टकट की बनानी है। तो यहाँ लॉइन पे यहाँ सिंबल सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्टकट की पे सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने आपने जो भी शॉर्टकट की बनानी है वो प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे एल के साथ एल प्रेस करके मैं साइन पे ओके करके यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो इससे होगा ये कि जैसे मैं एल के साथ एल प्रेस करूँगा तो ये देखिए लॉइन का सिंबल आ जाएगा।